अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ लाइबा बासी और आप देख रहे हैं 90 स्पोर्ट्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे उस वार्म अप मैच के बारे में जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का था, और उसमें पाकिस्तान को जो है वो डिफीट का सामना करना पड़ा। डिफीट कह लें, विन कह लें, बट इट वाज अ प्रैक्टिस मैच। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग माय रिव्यू, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक वार्म अप मैच था। वार्म अप मैच क्या होता है? एक प्रैक्टिस मैच होता है जिसमें आप अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, आप अपने 15 मेंबर स्क्वाड को टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आर दे अडैप्टिंग द कंडीशंस वेल, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही। तो उस सिनेरियो में ना, आप जैसे कहते हैं कि चीज़ों को इतनी जल्दी जज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम भी जज नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इस मैच से वीक पॉइंट्स हमारे लिए निकले, कहाँ कहाँ पॉजिटिव निकले और कहाँ कहाँ नेगेटिव निकले। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और उन्होंने जो बैटिंग का फैसला किया था उसको बिल्कुल ठीक करार दिया थ्रू देयर एग्जीक्यूशन ऑफ बैटिंग। किस तरह से बाबर आजम ने 80 रन स्कोर किए ऑफ 84, मोहम्मद रिजवान ने 103 ऑफ 94 विद अ वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट, उन्होंने छक्के चौकों की बारिश कर दी। फिर सऊद शकील आए जो कि हमारे लिए इस मैच से सबसे बड़ा पॉजिटिव निकले। सऊद शकील जिनको एशिया कप में खेलने का चांस नहीं मिला, मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा मिला था, वो भी वो बहुत फजूल से रन आउट हो गया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनकी प्लेइंग एक्साइड में जगह बनती है। जो ही स्कोर ए वेरी ब्रिलियंट 75 ऑफ 53 बॉल्स, और उन्होंने इस तरह से बताया कि वो कितने अच्छे इस तरह के बैट्समैन हैं जो कि स्पिन को बड़ा स्पेशली अच्छी तरह से हैंडल कर देते हैं। दूसरे पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे बट लेटर इन द वीडियो। उसके बाद हमारे पास सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जिस तरह से हम कहते हैं कि एग्रेसिव बैटर हैं, जल्दी जल्दी रन स्कोर करते हैं, तो इस तरह से सब ने जो है बैटिंग में अपना अपना रोल निभा कर जो है वो 345 रन जो है वो स्कोर पर बोर्ड पर रखे, और न्यूजीलैंड से कहा कि आइए जी आपने 346 रन जो है वो चेस करने हैं इन फ्रंट ऑफ आवर बोलिंग लाइनअप। अब अगर मैं यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक का जो डिसमिसल था वो भी बड़ा फजूल सा ही था, जिस तरह से वो कॉट बिहाइंड हो गए थे, तो मतलब इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि इस तरह का डिसमिसल होना नहीं चाहिए था जिस तरह के वो क्लास के बैट्समैन है, बट इट हैपेंस, इट वाज अ प्रैक्टिस मैच। यू नो न्यूजीलैंड के जो मेन बॉलर्स थे, बी ट्रेंट बोल, बी टिम साउदी, वो थे नहीं, तो शायद इसलिए हमारे जो है वो बैटर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर ली। लेकिन ये साइड पे रखें आप बातें, उनके जो लॉकी फर्ग्यूसन थे, वन ऑफ द मेन बॉलर्स, उन्होंने 4 ओवर्स करवाए, लेकिन उसमें भी उनकी जो इकोनॉमी थी वो इतनी कोई खास नहीं थी। इकोनॉमी थी वो 8 समथिंग थी ओनली इन जस्ट 4 ओवर्स, तो उनको पड़े, इसका मतलब ये है। व्हेन न्यूजीलैंड केम डाउन टू चेज द टारगेट, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। वहाँ उनके जो बैटर्स थे, डेविन कॉनवे, तो हसन अली ने जो वो विकेट ली उनकी वो ज़बरदस्त था, डक पे वो चले गए, और उससे हसन अली को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। लेकिन साथ ही साथ आई वांट टू से कि जो हमारे बॉलर्स थे वो बहुत लिथार्जिक नज़र आए। इट सीम्ड लाइक के शाहीन ने बॉलिंग नहीं की, कह सकते हैं आप शाहीन ने बॉलिंग की नहीं की, हारिस रऊफ ने सिर्फ 4 ओवर्स करवाए, ऑल्सो हारिस रऊफ के 4 ओवर्स में इकॉनमी वॉज 9। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यू नो बॉलिंग बड़ी लिथार्जिक थी, लेकिन वही बात है कि न्यूजीलैंड ने ये जो टारगेट था, जो बड़ा टारगेट था 346 रन्स का, ये उन्होंने 43.4 ओवर्स में चेस कर लिया, ठीक है, विथ 38 बॉल्स लेफ्ट इन द साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक मतलब वहाँ से हमें पता चल रहा था कि उनके जो मेन बैटर थे केन विलियमसन, अभी उन्होंने पूरी इनिंग्स खेली नहीं, 54 पर उन्होंने कहा कि मैं दूसरों को चांस दूँ। फिर उनके जो डेरिल मिचल थे जो कि बड़े वेल सेट बैट्समैन हो गए थे, उन्होंने भी जो है वो हाफ सेंचुरी करके उन्होंने भी कहा कि आई हैव टू गो, उन्होंने भी ज़्यादा नहीं खेला। मार्क चैपमैन ने जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स की सीरीज, बायलेटरल सीरीज जो हुई थी उसमें रावलपिंडी में भी उन्होंने हमारे साथ ऐसे ही किया था, हमें जो है पिटाई की थी पाकिस्तानी बॉलर्स की, और आज भी उन्होंने सेम वही किया, एक फ्लाइंग सिक्स के साथ जो है वो उन्होंने मैच जितवा दिया अपनी टीम को। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि क्या हमें इस पूरे सिनेरियो से जो है एक सिर्फ प्रैक्टिस मैच से जज कर लेना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमारी जो टीम है कि वो लोग अभी अपना पहला मैच था उनका इंडिया में, उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि सिमिलर एशियन कंडीशंस होती हैं, बट फिर भी हर एक जगह का अपना एक्सपोजर होता है जिसको अडॉप्ट करने में आपको टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी हमें जो है वो नहीं करना चाहिए कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जीत सकते, हम तो ग्रुप स्टेज मैच खेल लें, बड़ी बात है, तो इस तरह से हमें नहीं कहना।
हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करेंगे कि आपने देखा बैटिंग में तो हम था ना पॉजिटिव, बॉलिंग में अगर मैं आपको बॉलिंग फिगर्स बता दूं हसन अली की, हसन अली ने 7.4 ओवर्स करवाए, उसमें उनकी जो इकोनॉमी थी वो 8.61 की थी। सलमान अली आगा ने 8 ओवर्स करवाए जिसमें उनकी इकोनॉमी 7.50 की थी लेकिन उनको एक विकेट भी मिली। उसामा मीर सीम टू बी वेरी इंप्रेसिव, 10 ओवर्स करवाए और उसमें 2 विकेटें हासिल कीं और उनकी इकोनॉमी 6.80 की थी। पहला पॉजिटिव था जो था सऊद शकील का। दूसरा पॉजिटिव जो था और जो है वो है उसामा मीर। उसामा मीर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की, मार पड़ी लेकिन कोई बात नहीं, पहला मैच था, पहला वर्ल्ड कप का जो है उनका मैच था, आप उसमें उनको कर सकते हैं। लेकिन उसामा मीर आप देखें उनके लिए नई कंडीशंस थी, प्रेशर होता है कि कैसा परफॉर्म करेंगे कैसा परफॉर्म नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में आकर भी उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और वो अप्रिशिएबल थी इसीलिए हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो दूसरा बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए उसामा मीर निकलते हैं। वसीम जूनियर 7 ओवर्स में 8.29 की इकोनॉमी, नवाज़ ने 7 ओवर्स में हु इज़ आर मेन स्पिनर उसमें उनकी इकोनॉमी थी 7.86। आई गेस वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन पॉजिटिव साइड, हमारे लड़कों को भी ज़रूरत है, वर्ल्ड कप उन्हें खेलना है। तो यही वो टीम है जो कि आपने देखा होगा कि जब जब हमने इनको बैकलिस्ट किया है तब तब इन्होंने आकर वाओ क्रिकेट खेली है। एंड आई फील लाइक दिस इज द सेम टाइम कि ये लोग इस दफा भी कुछ बड़ा प्रूव करेंगे एंड दे आर वेरी क्लोज टू इट। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम लीविंग अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्वेश्चन वो ये है कि आपने देखा इफ्तिखार भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं मिडिल ऑर्डर में आकर, सलमान अली आगा भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं, एंड आर न्यू एसेट ऑब्वियसली सऊद शकील वो तो हैं ही जबरदस्त। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि इन तीनों में से सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो नंबर 5 और नंबर 6 पर बैटिंग कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों में से वो नंबर 5 और नंबर 6 वाला स्लॉट कौन ज़्यादा डिजर्व करता है, ये ज़रूर नीचे कमेंट्स पे बताइएगा। तो ज़रूर कमेंट्स पे बताइएगा। फॉलो 90 स्पोर्ट्स ऑन YouTube, Facebook एंड Instagram फॉर मोर सच वीडियोज। दिस इज़ लाइव अबासी साइनिंग ऑफ।